हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब प्यारे दोस्तों? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और दोस्तों, आपको ना जिस भी टॉपिक पे रेटिंग चाहिए, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आज की रेटिंग देखते हैं, हमारा रेटिंग क्या है। किसी अपने खास का नाम सोचिए, देखते हैं वो अगले 3 दिनों में क्या महसूस करेंगे आपको लेकर, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपको उनका नाम सोचकर दिए गए कार्ड में से एक कार्ड को चूज कर लेना है। मुझे उम्मीद है आपने अपना कार्ड चुन लिया होगा। खुश रहिए और मस्त रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अपना और अपने प्यार का नाम कमेंट करना, हम आप दोनों के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। चलिए जवाब देखते हैं हमारा क्या आता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने एक नंबर कार्ड को चूज किया है तो जिस पर्सन को आपने सोचा है ना, उनमें ईगो थोड़ा ज़्यादा है, जिस वजह से वो आपको वो प्यार नहीं दे पाते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए वो उस ईगो को कम करने पर काम करने वाले हैं, ताकि वो आपको वो सब दे पाए जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते। अगर आपने 2 नंबर कार्ड चूज किया है तो ये पर्सन आपके और उनके बीच को जो रिश्ता है ना, उसको लेकर वो इतना सीरियस नहीं है। वो शायद ठीक से इस रिश्ते की वैल्यू को ही नहीं समझ पा रहा है। कभी आप उनको बहुत अच्छे तो कभी बुरे लगने लगते हो। वो इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करना चाहते हैं कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान तो ज़रूर मानते हैं, पर वो आपको कितना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा उनको वक्त लगेगा, लेकिन फाइनल में वो आपको आपके पास ही मिलेंगे। अगर आपने 3 नंबर कार्ड को चूज़ किया है तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब कि उनका बात आपसे शुरू और आप पर ही ख़त्म होती है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके अलावा किसी से भी बात करें। वो आपके दोस्तों से थोड़ा जिलस फील करते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। अगर आपने 4 नंबर कार्ड को चूज़ किया है तो इनको महसूस होगा कि आप उनके पीठ पीछे किसी और को टाइम दे रहे हो, इसलिए वो आपसे थोड़ा रूड बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें प्यार से समझाएं तो वो समझ जाएंगे कि आप भी उनको लेकर उतना ही सीरियस हैं जितना कि वो प्यार में थोड़े से पोसेसिव हो जाते हैं आपको लेकर, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ उनके हो और वो आपको किसी और के कभी होने भी नहीं देंगे।